हेलो बच्चों, गुड इवनिंग क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखिए, आज आपका ईवीएस का टर्न है ना। तो आपने लास्ट टाइम में ईवीएस में क्या पढ़ा था? लिविंग इन हाउस, यानी कि घर में रहना। तो देखिए, घर तो कई तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन सबको घर में रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है। घर में छत, जिसका पक्का घर होता है उसकी छत होती है टॉप पे, फिर दीवार होती है साइड में, फिर छत पे जो है टॉप पे, तो फिर दरवाजे होते हैं साइड साइड में। तो ये सब आपको मैंने पढ़ाया था। इसके पहले ये वीडियो रोक के आप जो है आगे का वीडियो, इसके पहले वाला सॉरी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा बेटा, तब ये वीडियो फिर से देखिएगा। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि घर में किस टाइप के रूम होते हैं, बेडरूम, ड्राॅइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम, स्टडी रूम। अब देखिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस भी आपने पढ़ा था, कैसे कितने प्रकार के घर होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो है मिट्टी से, लकड़ी से, पत्तियों से बनता है ना, घास फूस से, और पक्का हाउस जो है ईंट से, सीमेंट से, स्टील से, लोहे से, लकड़ी से बनता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इग्लू क्या होता है, जो बर्फ़ के घर होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं वो एस्किमोस कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टेंट। क्या पढ़ेंगे? टेंट। इसमें लिखा है सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ अ थिक क्लॉथ कैनवास। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो मोटे कपड़ों से बनते हैं, जिसे कैनवास कहते हैं। देखिए, टेंट होता है ना, आप जानते हैं ना टेंट क्या होता है, कपड़े से बनाया जाता है टेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जो मोटे कपड़े से बनते हैं, जिसे हम टेंट कहते हैं, और वो कैनवास का कपड़ा होता है। दीज हाउस आर कॉल्ड टेंट। इन सब घरों को हम टेंट कहते हैं। दीज आर टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी का मतलब जिसे हम उसको कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं, काम चलाओ जैसे बोलते हैं। सोल्जर्स एंड स्काउट्स, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे सैनिक, और स्काउट्स जो कॉलेज से, स्कूल से कैंप जाता है बच्चों का, स्काउट्स के बच्चों का, उनको कहते हैं स्काउट। तो लड़के बच्चे जाते हैं जब वहाँ पे, क्या कहते हैं, ग्रुप में जाते हैं, कोई कैंप करते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज होती है, और भी योगा वगैरह बहुत सारे कैंप लगते हैं बेटा। उसमें बच्चे जो स्कूल के जाते हैं, तो उसे जो है कह रहा है कि वो लोग टेंट बना के रहते हैं। तो सोल्जर्स एंड स्काउट्स लिव इन टेंट्स। ये लोग भी टेंट बना के रहते हैं, क्योंकि इनको जो है घर तो, घर की, घर तो रहेगा नहीं वहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, ये जो है वहाँ पे टेंट बना लेते हैं, उसके बाद उसमें रहते हैं। फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये लोग उसमें जो है हटा के उसको फोल्ड करके रख देते हैं, और फिर कहीं और जाना होता है तो वहाँ पे ये टेंट लगा लेते हैं। जनरली, साधारण तौर पे इट इज़ यूज्ड इन डिज़र्ट। ये रेगिस्तान वाले एरिया में यूज़ होता है। कहाँ होता है? रेगिस्तान, रेगिस्तान वाले एरिया में यूज़ होता है, जहाँ पे बालू होता है, रेत होता है। सच टाइप ऑफ हाउसेज, इस तरह के घर कैन बी पुट अप और पैक्ड अवे ईजली। इस तरह के घर जो होते हैं उसको आसानी से हम उठा सकते हैं और पैक करके इस आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और उठा के रख सकते हैं। कैंपर्स ऑल्सो यूज टेंट्स टू लिव इन। कैंपर्स का मतलब होता है जो पर्यटक यात्री होते हैं, जो यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या व्यापारी लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको भी रुकना पड़ता है, तो वो टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, कुछ हाउसेस, कुछ घर जो है मोटे कपड़े के बने होते हैं, और उस कपड़े को कहते हैं कैनवास, और इस घरों को हम टेंट कहते हैं। ये जो है घर आप कभी भी बना सकते हो, कभी भी हटा सकते हो, इसलिए इसे टेम्परेरी हाउस कहते हैं। सैनिक और जो स्काउट्स होते हैं हमारे स्कूल के बच्चे, वो अगर कहीं जाते हैं तो टेंट बना के रहते हैं। साधारण तौर पे टेंट का यूज़ रेगिस्तान यानी रेतीले इलाके में होता है। कुछ घर इस तरह के, ये घर कुछ इस तरह से होते हैं जिसे हम उठा के और पैक करके रख भी सकते हैं, और यात्री लोग, जो पर्यटक यात्री होते हैं, वो लोग भी टेंट में रहते हैं और इसका यूज़ करते हैं। अब फोर्थ नंबर है आपका कैरवन। क्या है कैरवन? ये जो है सम पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस। कुछ लोग एक जगह पर नहीं रहते। कैरवन में जो लोग रहते हैं वो लोग एक जगह पे नहीं रहते। दे लिव इन हाउस वी ऑन व्हील्स। वो किस घर में रहते हैं? वे घर जो पहियों पर बने होते हैं।
दे लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स, वे उस घर में रहते हैं जो पहियों पर बने होते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड कैरावंस, क्या बोलते हैं, कैरावंस या कारवांस, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, कारवांस। तो कह रहे हैं कि कुछ घर जो होते हैं वो पहियों पर बनते हैं, उन्हें कारवांस कहते हैं। सच हाउसेज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अनदर, ये जो घर होते हैं कारवांस, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किए जा सकते हैं, ले जाया जा सकता है इनको, क्योंकि ये पहिए वाले होते हैं। देखिए ऐसे बैलगाड़ी जैसा होता है, उसमें बैल नहीं होती है, उसके ऊपर से घर जैसा बना के उसको आप कहीं भी खींच के ले जा सकते हैं ना। तो इसलिए कैरावंस को कह रहा है कि ये हाउसेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किए जा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें लिखा है डू यू डेकोरेट योर हाउस, क्या आप अपने घर को सजाते हो, व्हाई, क्यों सजाते हो, अगर सजाते हो तो इसमें आपको रीजन लिखना है। आप लिखेंगे क्विक लुक, एक जल्दी से शॉर्टकट में ये देखिए दिखाया है आपको, इसको पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड शेल्टर टू लिव, सभी जीवित प्राणियों को रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है। अ शेल्टर गिव्स अस सेफ्टी एंड कंफर्ट, जो घर होता है हमें सुरक्षा और आराम देता है। ए हाउस हैज अ रूफ, घर में छत होती है, टॉप यानी ऊपर, फ्लोर होता है जमीन पर ना। अ हाउस हैज अ रूफ ऑन द टॉप एंड अ फ्लोर एट द बॉटम। इन विलेजेस पीपल लिव इन कच्चा हाउस, गांव में लोग कच्चे घर में रहते हैं। द हाउस इज मेड बाई यूजिंग, जो घर यूज करके बनाए जाते हैं, मोटे कपड़े, कैनवास जिसको कहते हैं, वो घर टेंट कहलाते हैं। अ कैरावन इज अ हाउस ऑन व्हील्स, कैरावन कौन सा घर होता है, कारवान जो पहियों पर बनता है। द हाउस मेड ऑफ आइस, वे घर जो घर बर्फ से बनते हैं, स्नो इज कॉल्ड एन इग्लू, वो घर इग्लू कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपका रिविजन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, आप चैप्टर एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ये आप अपने आप करिएगा। और ट्रू फॉल्स भी आपको करना है, एक बार मैं बता देती हूँ। ए हाउस ऑन द व्हील इज कॉल्ड क्रेवन, सही है, जो पहियों पर घर होते हैं उन्हें क्रेवन कहते हैं, तो उसे आप लिख लीजिएगा। सही है तो टी लगाइएगा, गलत है तो एफ। पीपल हु लिव इन डिजर्ट जनरली लिव इन इग्लू, क्या जो लोग रेगिस्तान वाले एरिया में रहते हैं वो क्या इग्लू में रहते हैं, बताइए। अभी मैंने बताया ना कि जो बर्फ के घर होते हैं वो इग्लू कहलाते हैं, रेगिस्तान में तो रेत होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए हाउस हैज नो विंडो, घर में कोई खिड़की नहीं होती, आपको पता होगा ना, ट्रू या फॉल्स जो लगाएंगे वो आपको लगाना है। ऑल द पीपल डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ हाउसेस, सभी लोग एक ही तरह के घर में नहीं रहते, अभी आपने पढ़ा था नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। अ शेल्टर गिव अस सेफ्टी एंड कंफर्ट, घर हमें सेफ्टी, सुरक्षा और आराम देता है, जी हाँ बिल्कुल देता है, तो ये करेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स तक आप खुद से फिल करेंगे, फिर जो रॉन्ग होगा मैं बताऊंगी। और हाँ, राइटिंग जरूर राइट करके रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा, और होमवर्क यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स तक आप, अब इसमें हिंट दिया हुआ है मैं नहीं बताऊंगी, देखती हूँ आप कितना कर पाते हो, क्योंकि ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो फिल इन द ब्लैंक्स तक आपका कंप्लीट होके मेरे पास होमवर्क आ जाना चाहिए। तो बाय बाय।